हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल कोड इन 10। आई एम निशांत चाहर। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले इस क्वेश्चन के बारे में। इसका नाम है रोटेट एरे। सुनने में बहुत इजी है, करने में बहुत इजी है। जो बेसिक वाली अप्रोच है वो तो मतलब ऐसे ही चलते फिरते तुम बता दोगे, बट जो दूसरे वाली अप्रोच है ना उसमें थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो दो अप्रोचेस सॉल्व करने वाले हैं, मतलब दो अप्रोचेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले वाली बस बताऊंगा क्योंकि बहुत ईजी है, तुम कोड कर लोगे, और दूसरे वाली को कोड करके भी दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक डी, हमें दे रखा है एक एन, और हमें दे रखा है एक एरे। एरे में दे रखा है 1, 2, 3, 4। हमें बोला है डी अगर यहाँ पे 2 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो हमें दे रखा है D2, तो हमारा आउटपुट ये आना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों नंबर रोटेट होके आगे चले जाने चाहिए। ये पहले यहाँ चला जाने, फिर इसके बाद ये यहाँ चला जाने चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, पॉज करो, सोचो कि क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत 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 ज़्यादा। हिंट दे देता हूँ, टेम्परेरी एरे बना लेंगे। पॉज करो, सोचो, और फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आई होप तुमने पॉज करके सोच सोच लिया होगा अच्छे से। तो कुछ नहीं करना है यार, एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे। अब इसमें हो क्या रहा है एग्जैक्टली, जितना डी है उसको क्या कर रहे हैं, बस उठा के इसके बाद रख दे रहे हैं। तो हमें एक टेम्परेरी एरे चाहिए होगा, इसमें हम क्या कर रहे होंगे, एन साइज का टेम्परेरी बनाया। तो पहले यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर दिया, खत्म। सिंपल सीधा, एक के इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया के। और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि डी की वैल्यू है ना, डी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे तुम देखोगे डी की वैल्यू कैन भी 1 to 10^6। इसका क्या मतलब है कि इवन इफ तुम्हारा एन की वैल्यू 5 है, तुम्हारी डी की वैल्यू 10 हो सकती है। ये बोलेगा 10 बार रोटेट करते रहो। बट अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा कि 10 mod 5 हो रहा होगा। 10 mod 5 करोगे तो 0, अगर तुम इसे 10 बार रोटेट करोगे तो जाके वो ले देके सेम ही चीज़ आ रही होगी। मतलब ट्राई करके देख सकते हो। एक एरे लो छोटा सा, 1, 2, 3। हम इसे बोलेंगे 7 times हमें रोटेट करना है। ठीक है, 7 times रोटेट करेंगे, 1, 2, 3 स्टार्ट है, इसको रोटेट करेंगे 2, 3, 1, फिर रोटेट करेंगे 3, 1, 2, फिर रोटेट करेंगे 3, 1, 2, 3। ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3 times। सिमिलरली 3 times फिर से करेंगे, 1, 2, 3 times, यही सेम आएगा, मानते हो? तो ये सेम आ जाएगा 1, 2, 3, और फिर से एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2, 3, 1। तो ये आंसर होना चाहिए। और 2, 3, 1 क्या है तुम्हारा, फर्स्ट टाइम रोटेट करके आ रहा है। अगर तुम 7 mod 3 कर दोगे, 7 mod 3 मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1, दैट मीन्स हमें बस एक ही बार तो रोटेट करना है। बस इस चीज़ का ध्यान देना है, इस चीज़ का ध्यान अगर तुमने दे दिया तो बस एक टेम्परेरी एरे लेना है। इस टेम्परेरी एरे में एलिमेंट्स को कॉपी करते जाना है। क्या करना है, ये ले लिया हमने 3 साइज, ये 5 साइज का एरे ले लिया। हमने बोला कि हम स्टार्ट करेंगे इस वाले एरे में पहले यहाँ से पीछे से, हमें दे रखा है पहले 1, 2, 3, 4, 5, और हमें दे दिया डी इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या बोलेंगे, ये 2 से स्टार्ट करो, ये 0, 1, 2, 3, 4। एक टेम्परेरी एरे हमने ले रखा है, उसको यहाँ पे कॉपी कर दो, इसको यहाँ कॉपी कर दो, इसको यहाँ कॉपी कर दो, इसको यहाँ कॉपी कर दो। ठीक है, पहले करना है डी 2 n-1, उसके बाद क्या करना है 0 2 d-1। ठीक है, तो ये यहाँ पे कॉपी कर दिए 3, 4, 5, और फिर इनको यहाँ पे कॉपी कर दो 1, 2। सिंपल ब्रो, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है, बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन वैसे भी ईजी है, बट इसकी जो दूसरे वाली अप्रोच है ना उसमें थोड़ा सा ऐसे घूम जाओगे। मैं भी घूम गया था। तो अब एक चीज़ सोचो, तुम्हारे पास 2 डब्बे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 2 डब्बे हैं। अब तुम्हें इसे रोटेट करना है, मतलब इस डब्बे को, इस वाले डब्बे को इसके पीछे लेके जाना है। ठीक है, तुम्हें बनाना इसे ऐसे है, बट इसके अंदर भी चीज़ें रखी हुई हैं, राइट। इसके अंदर 1, 2, 3 रखा हुआ है, इसमें 4, 5 रखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, इसको 4, 5 को यहाँ लाना है और 1, 2, 3 को यहाँ ले जाना है। तुम्हें ये करना है, मतलब रोटेशन में हम यही तो कर रहे हैं एक तरीके से। हमारे पास 2 boxes हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अगर तुम इसको रिवर्स करोगे, इस वाले बॉक्स को रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 5, 4, 3, 2, 1। 5, 4, 3, 2, 1 आ गया। अब तुम देखोगे तो यार ये कुछ सेम सेम सा तो लग रहा है, मतलब लास्ट में तीनों जो हमें चाहिए वो डिजिट्स हैं और आगे वही मतलब 2 digits हैं जो हमें चाहिए। बट इसमें अगर हम क्या करें, इन दोनों को फिर से रिवर्स कर दें इंडिविजुअली, मतलब इसको 4, 5 कर दें, इसको क्या कर दें 1, 2, 3, तो क्या ये जो हमें चाहिए था वो हो जाएगा, क्या ये 4, 5, 1, 2, 3 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इससे क्या हुआ, हमारा एक और अप्रोच आ गई। हमने बोला यार कि अगर हम एरे को रिवर्स करें, हमने रिवर्स करना सीखा था 1, 2, 3 videos पहले, रिवर्स एरे हमने सीखा है अभी रिसेंटली, तो आई होप तुम्हें वो चीज़ समझ आ गई होगी।
तो हम क्या कर रहे हैं, दो बार बस रिवर्स कर रहे हैं एरे को, दो बार, एक बार ही पूरे एरे को रिवर्स कर रहे हैं और एक बार इंडिविजुअली एरेज को रिवर्स कर रहे हैं, और उससे हमारा अपने आप हमें यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि इसको जनरली हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना डी लास्ट का नहीं है, डी फर्स्ट का ही है, स्टार्टिंग वाले तीन एलिमेंट्स हमारे डी हैं, इनको रोटेट करना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रिवर्स कर लेंगे, 3 2 1 कर लेंगे, सिमिलरली इसको 5 4 कर लेंगे, और इस पूरे को फिर रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे 4 5, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा 3 4 5 1 2 3। सिंपल सॉर्टेड, बिल्कुल मस्त एकदम। इसको जल्दी से कोड करके देखते हैं, फिर से सुन लेना अगर समझ ना आया हो, कुछ नहीं कर रहे, विजुअलाइज करो कि दो डब्बे हैं, दो डब्बों को पहले हमने खुद रिवर्स कर दिया और रिवर्स करके फिर उनको रिवर्स कर दिया। तो ऐसे दिमाग में सोचोगे तो बिल्कुल समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है, और एक दो बारी एक दो एरेज के साथ ट्राई करके देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पहले एक अपना रिवर्स बनाना है फंक्शन, वॉइड रिवर्स। इसमें हमें क्या चाहिए होगा, एक एरे चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा लो और हमें चाहिए होगा हाई। लो हाई मतलब स्टार्ट और एंड, इसको लो हाई की जगह स्टार्ट एंड कर लेते हैं, स्टार्ट और एंड चाहिए हमें, स्टार्ट एंड चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जब तक हमारा जो स्टार्ट की वैल्यू है यार वो हमारे एंड से छोटी है, हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। स्वैप कैसे करते हैं, टेम्परेरी लेते हैं एरे में स्टार्ट, एरे में उसका स्टार्ट को कॉपी करते हैं, एरे के स्टार्ट में डाल देते हैं एरे का एंड, और एरे के एंड में डाल देते हैं हम टेम्प, राइट। फिर क्या करते हैं, स्टार्ट को हम बोलेंगे कि यार एक आगे बढ़ जा, एंड को बोलेंगे हम एक पीछे आ जा, बस अपना रिवर्स फंक्शन बन गया मस्त एकदम। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं पहले तो डी को डी मॉड एन करना है, मैंने समझाया था क्यों कर रहे हैं वाली चीज़। उसके बाद क्या करना है, रिवर्स करेंगे, पहले रिवर्स करेंगे हम 0 से लेकर डी माइनस 1 तक, फिर रिवर्स करेंगे हम तुम्हारे डी से लेके एन माइनस 1 तक, और लास्ट में रिवर्स कर देंगे बस एरे को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक, 0 से लेके एन माइनस 1 तक, और ये अपना हो गया काम खत्म। इसको सबमिट कर दिया और देखना राइट आंसर 3 4 5 1 2, 3 4 5 1 2 सबमिट कर देते हैं, सारे सब कुछ पास हो गया राइट। तो क्या करते हैं, अब इसको ना ड्राई रन करके देखते हैं, उससे ना और क्लैरिटी आ जाएगी काफ़ी अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ठीक है, तो अगर हमारे पास एरे पड़ा है, हमारे पास क्या पड़ा है, एरे पड़ा है 1 2 3 4 5, हमें डी मिल गया है 2 और हमारे एन मिल गया है 5। हमने क्या बोला यार, पहले एन मोड 2 कर दोगे तो ये तो 2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम बोलेंगे रिवर्स कर दो यार 0 से डी माइनस 1 तक, ये तुम्हारा है 0 0 1 2 3 4। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसको रिवर्स कर देना है। हमने तुम्हारा स्टार्ट को बोला कि स्टार्ट अभी तू है डी और एंड तुम्हारा है 4। ठीक है, हमने बोला यार रिवर्स करो, 5 यहाँ ले आओ, 3 ले आओ, 4 यहाँ पे है ही। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3, ये भी हो गया तुम्हारा 3। क्या 3 3 से ग्रेटर नहीं, तो ये अपने आप पूरा स्वाप हो गया मस्त एकदम। रिवर्स फिर से क्या करेंगे, इस पूरे एरे को जाएंगे और रिवर्स कर देंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 5 4 ऐसे है, 3 यहाँ पे है ही, 1 और 4 स्वाप हो जाएंगे, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और ये हमारा आ गया 3 4 5 1 2। ठीक है, हमें यही चाहिए था, हमें यही मिल गया 3 4 5 1 2। ये अपना ड्राई रन करके तुम्हें दिखा दिया है, आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी था, बस एक ये थोड़ी डिफरेंट सी अप्रोच थी। ठीक है, इसमें हमने बोला कि पूरा एक एक करके एलिमेंट्स को रोटेट करने से क्या फ़ायदा है, सीधा उठा के स्वैप कर देते हैं, रोटेशन का मतलब तो वही हो रहा है। बाकी तुम एक एक करके रोटेट भी कर सकते हो, एक आधी अप्रोच और है कि जितनी बार डी है डी को डी टाइम्स इसको रोटेट करते रहेंगे और हर बारी पूरे लाइक एरे में ट्रैवर्स करेंगे और स्वैप करेंगे, एक एक आगे स्वैप करते हैं और लास्ट वाले एलिमेंट को फिर स्टार्टिंग में ले आए, ऐसे करके डी टाइम्स करेंगे, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो डी इंटू एन आ जाएगी। अभी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़ाई है इस वाली सीरीज़ में, बट कोई अगर बाद में वीडियो देख रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डी इंटू एन आ जाएगी। ठीक है, और उसमें स्पेस भी हमारा, उसमें स्पेस नहीं लग रहा होगा, स्पेस हमारा 1 ही लग रहा होगा, ऑर्डर ऑफ 1। इस वाले क्वेश्चन में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आ रही है और जो हमारी लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आ रही है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस, मोस्ट ऑप्टिमल। अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम्हें पहले ये बताना है ये वाला जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी एरे ले रहे हैं,
फिर तुम ये वाला बता सकते हो जिसमें हर एक एक एलिमेंट को कर रहे, इसमें हमने स्पेस कम कर दी, और फाइनली बेस्ट वाला बता सकते हो जिसमें तुमने टाइम भी कम कर दिया, स्पेस भी कम कर दी। जनरली जब इंटरव्यूज दे रहे होते हो ना, तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप भरना होता है, ठीक है। पहले ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा टाइम में बताया, फिर स्पेस कम कर दिया, फिर टाइम कम कर दिया, फिर उन्होंने अगर बोला कि इसको ऑर्डर ऑफ वन स्पेस में करके दिखाओ या फिर ऑर्डर ऑफ एन टाइम में करके दिखाओ, तो उसके हिसाब से अपनी अप्रोच को चेंज करते गए, एंड ऐसे इंटरव्यूज होते हैं। सो आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही और हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे एरेज में, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे एरे में, उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।